हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बनाएंगे 6 नंबर कान्हा जी के लिए चोली। और ये जो चोली है, हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सभी जो हमने रो बनाई है यहाँ पे, सभी में मैंने यहाँ पे चेन गिन गिन के आपको बताया है कि हमने किस रो में कितने डबल क्रोशिया लिए हैं, कितनी चेन ली है, कहाँ पर हमने इंक्रीज किया है चेन्स को। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इसमें हर लाइन को बनाना बताया है। और ये चोली यहाँ पर हम 6 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बना लेते हैं कान्हा जी के लिए बहुत ही आसानी से बन जाने वाली चोली। देखिए फ्रेंड्स, 2.5 mm का यहाँ पे क्रोशिया हुक ले रहे हैं। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब देखिए, मैंने 18 यहाँ पे चेन लिए हैं। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे 1, 2, 3, अब जो हमने ये 3 चेन लिए हैं, 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी चेन में हमें यहाँ पे ये डबल क्रोशिया लेना है इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे पहले तो 3 चेन का एक डबल क्रोशिया लिया, इसे भी डबल क्रोशिया मानते हैं। एक ये डबल क्रोशिया हो गया। अब इससे जो नेक्स्ट चेन है, यहाँ हमने एक डबल क्रोशिया लिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हमें देखिए सभी चेनों में से डबल क्रोशिया लेना है, रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सभी चेनों में से एक बार डबल क्रोशिया करके कंप्लीट किया है। हमने टोटल हमारी यहाँ पे 18 चेन ली थी और एक 3 चेन का यहाँ पे डबल क्रोशिया लिया था। तो टोटल इस रो में हमारे पास 19 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब देखिए, 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। ये देखिए जो पहली चेन है, इस पर हमारा एक 3 चेन का डबल क्रोशिया आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है, उस पर हमें ये देखिए एक डबल क्रोशिया किया। अब इसी चेन पर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट चेन में हमने डालना है ये एक डबल क्रोशिया किया, इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। स्टार्टिंग में हमने 3 चेन लिए, 3 चेन का एक डबल क्रोशिया हो गया। और उसके बाद देखिए, हमने इस चेन में 2 डबल क्रोशिया लिए और इस चेन में भी 2 डबल क्रोशिया लिए। इसी तरीके से सारी चेनों में से हमें 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। बस स्टार्टिंग में जो हमारा 3 चेन का एक डबल क्रोशिया था, इसके ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया लेना है स्टार्टिंग में, और बी लास्ट में एक एक डबल क्रोशिया, और बीच की जितनी भी चेन है सभी में से 2-2 बार डबल क्रोशिया लेके रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे पूरा रो कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग में हमने 3 का चेन लिया है, 1 डबल क्रोशिया, और यहाँ लास्ट में भी हमने एक बार लिया। बाकी देखिए, सभी चेनों में से हमने यहाँ पे 2-2 बार डबल क्रोशिया लेके पूरी रो कम्प्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट रो के लिए देखिए, हमने यहाँ पे 1, 2, 3 चेन ली, वर्क को टर्न किया। अब देखिए, फर्स्ट चेन पे हमारा ये 3 का चेन लिया हमने। इससे जब नेक्स्ट चेन आएगी, वहाँ पे हमें ये एक डबल क्रोशिया लिया, नेक्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशिया लिया, एक 3 की चेन का डबल क्रोशिया ये हो गया। उसके बाद हमने 2 लिए, और 2 लेने के बाद देखिए, हमने ये जो चौथी चेन है, यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया लिया। अब चौथी जो चेन हमारी है, उसी में एक बार और डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया लिया, 5 चेन में से। अब जो छठी चेन है, वहां पे हमें एक बार डबल क्रोशिया लिया, देखिए, और इसी में से एक बार और लेंगे। आगे हमें ऐसे ही करना है, 5 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया लेके रो कंप्लीट करनी है, 6 चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे हमने टोटल 18 चेन ली थी, एक 3 चेन का डबल क्रोशिया लिया था। टोटल हमारे यहाँ पे 19 डबल क्रोशिया हो गया था। और जो हमारी सेकेंड रो बनी है, इसमें से हमने स्टार्टिंग में और लास्ट में छोड़ा, बाकी बीच के सभी चेनों में से 2-2 बार डबल क्रोशिया लिया है। तो
तो नीचे 19 डबल क्रोशिया थे, तो उसके ऊपर हमारा देखिए 19 का डबल करेंगे तो 19 दूनी 38, 38 में से दो माइनस करेंगे क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में और एक ये लास्ट में एक एक डबल क्रोशिया है, तो 38 की जगह यहाँ पे हमारे 36 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम ये वाली जो रो है इसे कंप्लीट करते हैं, फिर इसको काउंट करके बताएंगे कि कितने यहाँ पे डबल क्रोशिया आ जाते हैं। ये देखिए हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे ये थर्ड रो भी बन के कम्प्लीट हो गया। छठी चेन में हमने यहाँ पे 20-20 में फंदे इंक्रीज किए हैं। सेकेंड रो में हमारे पास यहाँ पे 36 डबल क्रोशिया थे और 6 हमने ये थर्ड रो में बढ़ा दिए हैं, तो 36 और 6 हमारे 42 हो गए, 42 हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया आ गए हैं। आपकी चोली में मैं आपको पूरा काउंट कर करके बता रही हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। अब हमें यहाँ पे देखिए फिर से तीन चेन लेनी है, वर्क को टर्न करना है। अब देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट जो हमारी चेन है उस पर हमने तीन चेन का डबल क्रोशिया लिया है, नेक्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशिया, ये तीसरी डबल क्रोशिया। अब जो चौथा डबल क्रोशिया आएगा उस पर हमें इंक्रीज करना है, ये एक किया सेम चेन में से एक बार और करेंगे। अब देखिए हमें कैसे करना है, ये एक डबल क्रोशिया, दो, तीन, चार, पांच, छः। अब सातवीं चेन पे हम इंक्रीज करेंगे, ये देखिए एक बार किया एक बार और करेंगे। इसी तरीके से पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है, हर सातवीं चेन पे डबल क्रोशिया करके कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे फोर्थ चेन भी फोर्थ रो भी बना ली है और इसमें भी हमने हर सातवीं चेन पे यहाँ पे डबल क्रोशिया इंक्रीज किए हैं। अब इसके बाद हमारी ये वाली रो अगर आप काउंट करेंगे तो थर्ड में तो 42 हमारे डबल क्रोशिया थे, इस वाली रो में हमारे पास 48 डबल क्रोशिया हो गए हैं। मैं आपको बिल्कुल गिन गिन के बता दी हूँ कौन सी रो में कितने हमारे यहाँ पे डबल कितने यहाँ पे डबल क्रोशिया कितने यहाँ पे डबल क्रोशिया हैं। तो हमारे पास अब देखिए जो चौथी रो है उसमें टोटल हमारे पास 48 डबल क्रोशिया हैं। अब हम हार्म होल बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले तीन चेन लेंगे, फर्स्ट चेन पे हमारा तीन चेन ले रखी है हमने, नेक्स्ट में बनाएंगे टोटल हमारे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया लिए हैं। अब हमें आर्महोल के लिए चेन छोड़नी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन छोड़ेंगे, 11वीं चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, ये हमारा आर्महोल बन गया यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे पीछे 7 चेन हमने फ्रंट पे लिए तो हमने 7 का डबल पीछे बैक साइड में 14 डबल क्रोशिया करने हैं टोटल। तीन हो गया देखिए, चार, देखिए काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक और लेंगे, हमने बैक साइड में टोटल 14 डबल क्रोशिया ले लिए हैं और फ्रंट पे हमने 7 लिए हैं। अब हमें फिर से स्लिप के लिए छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
दस चेन छोड़ेंगे, ग्यारहवीं चेन में ये डबल क्रोशिया लेंगे। आगे भी हमारी सात डबल क्रोशिया ही आने चाहिए। देखिए तीन डबल क्रोशिया हो गया, चार डबल क्रोशिया हो गया, पांच, छः, और ये जो लास्ट में हमारी तीन की चेन ली थी हमने, इसे स्किप नहीं करना है, इसमें से भी एक डबल क्रोशिया लेंगे। तो टोटल हमारा यहाँ पे सात डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से चोली यहाँ पे बन जाएगी। देखिए हमने फ्रंट पे सात डबल क्रोशिया लिए हैं और बैक साइड में 14 लिए हैं। दोनों स्लीव्स पे हमने 10-10 चेन यहाँ पे छोड़ दिए हैं। हमारा यहाँ पे इतना काम हो गया है। अब हमें देखिए यहाँ पे तीन चेन लेनी है, तीन चेन ली, वर्क कॉटन करेंगे। अब एक रो हमें यहाँ पे सभी चेनों में से डबल क्रोशिया लेना है। देखिए 28 चेन है, 28 डबल क्रोशिया, 28 डबल क्रोशिया है हमारे पास। 28 के ऊपर 28 डबल क्रोशिया करके हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने फ्रेंड्स ये वाली रो कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमने यहाँ पे 6 रो बनाई है, 1, 2, 3 चौथी चार, और जो पांचवी चेन थी उसमें हमने आर्मोल यहाँ पे छटाई की है, और एक हमने सीधी सीधी यहाँ पे लास्ट वाली जो रो बना ली है स्लीव बनाने के बाद। अब हमारी देखिए यहाँ से चोली बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। आप यहाँ से धागा कट करके निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस तरीके से धागा कट करेंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पे चोली बहुत अच्छे से 6 नंबर कान्हा जी के लिए हमने बना ली है, और इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ रही है। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोस की मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसी किसी नई वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।